तुम्हें वही कार्य करना होगा और हमारे माता पिता भाई बंधुओं के प्रति भक्ति भाव आदर के साथ रहना होगा। उनको कभी दुर्वचन नहीं कहना, माता पिता के समान उनका आदर करना। और इस प्रकार वर कहता है कि हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, तुम्हें सदा सदा मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा, क्योंकि पत्नी के लिए एक ही धर्म बताया गया है कि एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए ना कोई तीर्थ करने का अधिकार है, अगर इच्छा है चली जाए पति के साथ में तो ठीक है, लेकिन अकेले उसको ना तीर्थ जाने का अधिकार है, ना कोई अकेले दान करने का अधिकार है। सिर्फ जो है पति की सेवा करना ही उसका सबसे बड़ी पूजा है। वर कहता है कि तुम मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना, क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं होता है। अतः तुम मेरी विश्वास पात्री बनो और वामांगनी बनो। वर कहता है कि यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरे आज्ञानुसार पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारे सभी सात वचनों का पालन करूंगा। फिर एक श्लोक और आया है कि आरण्य मध्य पाने के परिग्रह गमनम नित्य गीता दिहासे चापल्यम चापि लोभेना अति दुख सुखी दूति ग्रहे नीरभरणम माता पिता वरवधु वंशे न जाता। वर कहता है कि आरण्य जंगल में अकेले कभी भी नहीं जाना। मध्य पाने चा, जहाँ पर मतवार लोग मदिरा पान करेंगे वहाँ पर नहीं जाना। मध्य पाने चा परग्रह गमनम, पराये के घर में अगर कोई काम नहीं है तो बगैर काम के नहीं जाना। परग्रह गमनम नित्य गीता दिहां से, किसी समाज में बैठ करके ज्यादा हंसना नहीं, न ज्यादा चापलतम चापि लोभे ना, किसी चीज में चापलता नहीं करना। चापि लोभे ना, किसी की संपत्ति को देख करके लोभ नहीं करना, जितना अपने पास होगा उसी में सदा संतोष रखना होगा। अति दुख सुखी दूति ग्रही, वर कहता है हर मनुष्य के जीवन काल में कभी सुख और कभी दुख आता है और जाता है, इसलिए अगर ज़्यादा सुख हो तो ये न सोचना कि मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि सुख और दुख दोनों भगवान के ही बनाए हुए अंग हैं। तो ज़्यादा सुख में सुखी नहीं होना, ज़्यादा दुख में दुख नहीं मानना। अति दुख सुखी दूति ग्रह निर्भरणम, वर कहता है कि तुम्हारे घर से अगर कुछ दूर पर कुआं तालाब बावली आदि जो कुछ भी होगा वहाँ पर जल लेने के लिए अकेले नहीं जाना, अर्थात किसी को साथ में लेकर के ही जाना। दूति ग्रह निर्भरणम, माता पिता पर वधु वंशे न जाता। और माता पिता के घर में जब कोई मांगलिक शुभ कार्य होगा, जैसे शादी है, विवाह है, हवन है, कोई शुभ कार्य होगा तो वहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाना, क्योंकि बिना बुलाए एक बार भगवान शिव जी की शक्ति सती महारानी अपने पिता के यज्ञ मंडल में गई थी तो उनका अपमान हो गया था, इस कारण से वो अपमान न सह करके उसी हवन कुंड में अपनी जीवन लीला समाप्त करके